प्रशासन के निर्देश पर अक्षय पात्र द्वारा वितरित किए जा रहे भोजन को बंद करने को लेकर आज सभी पार्षद कलेक्ट्रेट के बाहर एकजुट हुए और हंगामा खड़ा कर दिया। पार्षदों का आरोप है कि प्रशासन की लापरवाही के चलते इस लॉकडाउन के बीच कई लोग खाने को वंचित रह गए और कोई भी अधिकारी उनके फोन नहीं उठा रहा, जबकि इस विपरीत परिस्थितियों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी का साथ देने की बात कही है। काफी देर चले हंगामे के बाद तमाम पार्षदों को हिरासत में लेकर समझाइश की गई और विधायक व कांग्रेस पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की गई। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते लगाए गए लॉकडाउन के बीच जिला कलेक्टर व प्रशासन पर गरीबों के साथ कुठारघात का आरोप लगाते हुए कांग्रेस, भाजपा व निर्दलीय पार्षद एकजुट हुए और सभी जिला कलेक्ट्रेट पहुंच गए। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अक्षय पात्र द्वारा दिए जाने वाले भोजन को बंद करने का आरोप लगाया। पार्षदों का कहना है कि बिना उनकी सहमति के उन लोगों तक रसद सामग्री पहुंचाई जा रही है जो गरीब श्रेणी में नहीं आ रहे और बड़ी संख्या में गरीब, असहाय, बेरोजगार लोग सरकारी रसद के महरून हैं। ऐसे में सभी पार्षदों से गुहार लगा रहे हैं कि उन तक भोजन नहीं पहुंच पा रहा। इस समस्या को लेकर जब प्रशासन से बात की जाती है तो फिर कोई सुनवाई नहीं की जा रही। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा अक्षय पात्र द्वारा मिलने वाली भोजन सामग्री को भी बंद करा दिया गया, जिसके चलते समस्या ने विकराल रूप लिया और इसी के चलते सभी पार्षदों को सड़क पर उतरना पड़ा। मामले की सूचना के बाद प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और सभी पार्षदों को चेतावनी देते हुए समझाइश की गई। कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय सभी पार्षदों को प्रदर्शन करना पड़ा एक साथ। जैसा कि मालूम है कि कल शाम से अक्षय पात्र द्वारा जो खाना वितरित किया था वो नहीं किया जा रहा है और हर वार्ड में बीएलओ द्वारा हठधर्मी की जा रही थी, उसी के द्वारा सब जा रहा था और पार्षदों को बिल्कुल ही पूछा नहीं जा रहा था और इसीलिए हमने सारे पार्षद इकट्ठे होके कलेक्टर साहब के पास गए थे और अन्य अधिकारी को फ़ोन करते हैं, कोई फ़ोन नहीं उठाता, कोई जवाब नहीं देता, इसीलिए सब इकट्ठे हुए और आज अभी एसपी साहब ने सिविल लाइन्स थाने में ये कहा है कि ये खुद अधिकारियों से बात करेंगे और इस समस्या का समाधान करेंगे और कल से अक्षय पात्र द्वारा खाने का वितरण सुचारू रूप से हो जाएगा और पार्षदों की पूरी भागीदारी रहेगी उसमें। मामले की जानकारी मिलते ही विधायक वासुदेव देवनानी, अनीता बदेल, सुरेश रावत मौके पर पहुंचे और जिला कलेक्टर से मामले को लेकर बातचीत की गई। वहीं विधायकों ने आरोप लगाया कि अजमेर में प्रशासनिक स्तर पर घोर लापरवाही बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन के चलते कई लोग इस महामारी में खाने से वंचित रह रहे हैं और अजमेर में विधायक कोष दिया गया लेकिन उसका भी कोई यूज नहीं किया जा रहा, जिसके कारण समस्या पैदा हो रही है और उसके निदान के लिए जिला कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा ने जल्द व्यवस्था का आश्वासन दिया है। देखिए, जिस तरह से कल भोजन वितरण किया जा रहा था, कल से उस व्यवस्था को बंद कर दिया गया जिला प्रशासन द्वारा। यह कहते हुए बंद किया गया कि हमने सूखी जो है वो खाद्य सामग्री के पैकेट बांट दिए हैं, बल्कि सूखी खाद्य सामग्री के पैकेट मात्र एक विधानसभा में, मेरी विधानसभा में 3,000 लोगों को ही बांटे गए हैं और वो भी बीएलए द्वारा सर्वे की गई सूची के माध्यम से बांटे गए हैं। बीएलओ ने, बहुत सारे बीएलओ ने उनमें अनियमितताएँ की है, घर बैठ के सर्वे किया, जो पात्र व्यक्ति को मिलना चाहिए उसको नहीं मिला और जिस व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए उनको दिला दिया, तो भूखे तो आज भी भूखे ही हैं, है ना। तो पात्र व्यक्ति तो आज भी इंतज़ार कर रहा है कि मुझे सामग्री मिलेगी। ये बात करने के लिए हम यहाँ आए थे और ये बात करने के लिए आए थे कि नगर निगम से, कि नगर निगम को जिला प्रशासन के माध्यम से नगर निगम को जो पका हुआ भोजन दिया जा रहा था वो क्यों बंद किया गया, उसको पुनः चालू किया जाए क्योंकि अभी लॉकडाउन हटा नहीं है। तो आपने बंद कर दिया, ये कह के बंद कर दिया कि 3,000 हमने फूड के पैकेट बांट दिए और वो फूड के पैकेट जो बांटे उसमें तो बहुत सारी अनियमितताएँ हैं। साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री जी ने आपदा राहत कोष जो राज्य सरकार को दिया है और राज्य सरकार को जिला कलेक्टर के माध्यम से वो खर्च करना था, तो मेरा बहुत बड़ा सवाल है कि इस आपदा के समय में ही उस आपदा राहत कोष का इस्तेमाल नहीं होगा तो उसका कब इस्तेमाल करोगे आप? जिला कलेक्टर उस राशि का कतई इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नाम मात्र की राशि का उसमें से इस्तेमाल किया है और वो दबा करके बैठे। मुझे ये लगता है कि राज्य सरकार ने उनको डायरेक्शंस दिए हैं कि आप इसको खर्च मत करो, बचा के रखो, ये आफत तो निकल जाएगी और जब सामान्य स्थिति हो जाएगी तब इसका उपयोग अपने नाम से करेंगे, राज्य सरकार के नाम से करेंगे। मेरे को लगता है कि ये राज्य सरकार का षड्यंत्र, मैं सीधे सीधे राज्य सरकार पर आरोप लगाती हूँ कि ये राज्य सरकार का षड्यंत्र है और इस तरह से व्यवस्थाओं को चरमराया हुआ है, जिला प्रशासन लचर है, वो कोई काम नहीं कर रहा, ये हमारा आरोप है। जो पार्षदों का भी एजिटेशन था उसको लेकर क्या बातचीत? देखिए, पार्षदों को लेकर के जो एजिटेशन था वो जायज था, उसके लिए बातचीत हो चुकी है और अब पुनः आज से उन्होंने कहा है कि आज से हम पुनः
पका हुआ जो खाद्य सामग्री उसका वितरण शुरू कर दिया। पिछले कुछ दिनों से जनता राहत पाने के लिए त्राही त्राही कर रही थी। निगम के पार्षदों के द्वारा दी हुई सूची के अनुसार भोजन पैकेट बट रहे थे। कल अचानक जिलाधीश महोदय ने उसे रोक दिया, जिसके कारण से सारे पार्षदों में आक्रोश था और सारी वह जनता जिनको मिल रहा था वो लोग हमारे घरों पे पहुंच गए। और साथ में हमारे जो विधायक कोष का पैसा था, उस विधायक कोष के पैसे पे भी आज 7 दिन हो गए दिए हुए, उसका कोई खर्चा नहीं हो रहा है। उसमें भी 10 अड़ंगे लगाए कि वह सूची में इस तरह के कंडीशन होंगे, 20 कंडीशन लगा दी, उसमें तो आप राहत दे ही नहीं सकते हो। और साथ में उसमें जो राशि इन्होंने रेट दे दी, वो रेट मार्केट रेट में जो इन्होंने तय की उस रेट से लगभग 1.25 गुना 1.5 गुना है। तो हमें इतने साथ में आज जो किराने के व्यापारी हैं वो परेशान हैं, जो रिटेल वाले उनको थोक के भाव वाले ज़्यादा दे रहे हैं, आने जाने में उनको ज़्यादा किराया लगाना पड़ रहा है और उनको कह रहे हैं आप सस्ता बेचो। इस तरह के 3 मुद्दों को लेकर के हमने जिलाधीश महोदय से चर्चा की, उसमें ये निकला कि ये भोजन जो मिल रहा था वो लगातार जारी रहेगा जब तक ये MLA के लेट के फंड के उनके पास किट नहीं पहुँचाए। और MLA लेट के फिट में किट में भी तय हुआ जो सस्ता सामान अजमेर में मिल रहा है उस राशि को मैक्सिमम उसे सस्ता मिल रहा है वो अजमेर में ही वहीं लेकर के किट बनाया जाए। और तीसरा, जो विधायक सूची देंगे उस सूची के अनुसार जिनको BLO बांट चुका है उनको छोड़ करके बाकी सब लोग उसके लिए एलिजिबल होंगे, ये अभी निर्णय हुआ। पार्षदों द्वारा किए गए हंगामे को बढ़ता देख पहले एडिशनल SP और उपाधीक्षक से समझाइश का प्रयास किया और ADM सिटी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन गुस्साए पार्षदों ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों की एक न सुनी और जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को सुचारू करने की मांग की। इसके बाद अजमेर SP भी मौके पर पहुंचे और सभी को हिरासत में लेते हुए सिविलाइज थाने ले जाया गया, जहां दोनों पार्टियों के उच्च अधिकारियों के साथ ही विधायक व महापौर से बातचीत की और व्यवस्थाओं को बनाने पर विचार विमर्श किया गया और आश्वासन किया गया कि गरीबों को मिलने वाले भोजन में किसी तरह की कटौती नहीं होगी और सभी व्यवस्थाएं सुचारू की जाएंगी। इस आश्वासन के बाद सभी को चेतावनी देते हुए छोड़ दिया गया। अजमेर SP कुंवर राजदीप ने कहा कि जनप्रतिनिधि द्वारा किए गए बर्ताव को देखते हुए उन्हें पाबंद किया गया है कि वह इस तरह की हरकत ना करें जिससे कि कानूनी कार्रवाई करनी पड़े। फिलहाल सभी को व्यवस्थाओं संबंधी समझाइश के बाद छोड़ दिया गया है। देखिए, कुछ पार्षद थे जिनका कि ये कहना है कि उनके क्षेत्र में राशन का या खाद्य सामग्री का वितरण नहीं हो रहा, जैसे कि कई लोग हैं जिनको कि खाना नहीं पहुंच रहा है। इस चीज़ को लेकर के कुछ पार्षद जो कलेक्ट्रेट के बाहर एकत्र हो गए तो उन्हें मैं लेकर के थाने आया था। बहुत डिटेल में उनसे बात हुई है और उनकी क्योंकि समस्या किसी व्यक्ति के भूख से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसलिए हम कोई कठोर कार्रवाई फिलहाल नहीं कर रहे। उन्हें वार्न किया गया है, उन्हें बताया गया कि ऐसा कोई भी मुद्दा हो तो अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव आगे भेजें और आपकी हर इस तरह की समस्या का समाधान कराया जाएगा। प्रशासन लगातार इस चीज़ के लिए मेहनत कर रहा है। मेरी कलेक्टर साहब से भी बात हुई है, उन्होंने बताया कि इसका समाधान उन्होंने ढूंढ लिया है और हर व्यक्ति तक खाना पहुँचे, हर जरूरतमंद तक खाना पहुँचे, इसकी व्यवस्था उन्होंने कर ली है। लेकिन फिर भी मैं सभी पार्षदों ने जो बात की है उसके बेसिस पर हम फिर से बैठेंगे, बात करेंगे ताकि कहीं पर भी कोई किसी के पास भूखा रहने की या किसी के पास खाना नहीं पहुंच रहा है ऐसी समस्या नहीं हो। इसके लिए जो भी कदम उठाए जाने हैं वो कदम उठाए जाएंगे। अजमेर में कोरोना वायरस संक्रमण के एक ही परिवार के 5 मामले सामने आए हैं। इस दौरान पुलिस की सख्ती के चलते लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई जा रही है, लेकिन इसी बीच सैकड़ों लोग रोजाना मिलने वाला भोजन नहीं मिलने से परेशान है। पुलिस की सख्ती के बीच प्रशासन की लापरवाही जनता पर भारी न पड़ जाए, इसीलिए आज पार्षद सड़कों पर उतरे और लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी नहीं की गई, जो भी खतरनाक साबित हो सकती है।